हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल ओमनी हैशटैग पॉजिटिविटी। आज मैं आप सबको नैतिक शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहूंगी। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। बड़े बड़े शिक्षाविद ज्ञान का लाभ अर्जित करने उनके पास आया करते थे। विनोबा जी संस्कारों को सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। एक बार महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया। विनोबा जी वहां पहुंचे। उन्होंने प्राचार्य से बातचीत के दौरान पूछा, विश्वविद्यालय में किस किस विषय के अध्ययन की व्यवस्था है? प्राचार्य ने अवगत कराया, विभिन्न भाषाओं में गणित विज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विनोबा जी ने पूछा, क्या छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विनोबा जी ने कहा, यदि छात्रों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उन्हें अच्छा और सच्चा मानव बनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा व शक्ति का राष्ट्र व समाज के हित में सदुपयोग नहीं करेंगे। उनका मानना था कि सबसे पहले बच्चों व युवक युवतियों को आदर्श मानव बनाने के अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। संस्कारहीन व्यक्ति तो समाज को गलत दिशा में ही ले जाएगा। इस वक्तव्य से हमें यह सीख मिलती है, बच्चों को अगर उपहार ना दिए जाएं, तो वह कुछ समय तक रोएंगे, लेकिन संस्कार नहीं दिए गए तो वह जीवन भर रोएंगे। If children are not provided with gifts, they will cry for some time. But if they are not provided with moral values, they will cry for the rest of life. अंत में मैं फिर कहना चाहूंगी, अपने आप पर यकीन रखो, जमाना भी सिर्फ उसे याद रखता है जो कामयाबी की बुनियाद रखता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।